हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आई हूँ चिकन एग रोल की रेसिपी। तो देखिए मैं किस तरीके से बनाई हूँ। यहाँ पे मैंने देखिए कुछ सामग्री इकट्ठा करके रखी हूँ। तो यहाँ मैंने लिए चिकन और अंडे, और साथ ही साथ मैंने प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर, खीरा, धनिया पत्ता। तो यहीं पर देखिए पहले मैं चिकन, तो यहाँ पर देखिए मैं चिकन मिला रही हूँ, मिला के रखूँगी, मतलब उसको फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा नमक, यहीं पे मैं डालूंगी थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट। तो थोड़ी सी स्पाइसी बनाना है मुझे, तो मैं यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे थोड़ा सा, मतलब दो चम्मच के हिसाब से, छोटी चम्मच से मैंने दो चम्मच कट मतलब दही ऐड कर रही हूँ। और यहीं पे मैं कुछ हल्का फुल्का मसाला, जैसे कि मिक्स मसाले हुए, तो मैंने अपनी चुटकी से करीब दो तीन चुटकी मैंने मिक्स मसाला ऐड कर दिए वहाँ पे। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर ब्लैक पेपर, थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए, तो मैंने यहाँ पर ब्लैक पेपर ऐड कर दिए। साथ ही साथ मैं यहाँ पर थोड़ी सी, मतलब यहाँ पर अगर आपको हल्दी डालना हो कलर के लिए तो आप हल्दी डाल दें, वरना आप ना डालें। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरीके से मैं अपनी हाथों की मदद से इसको मिला रही हूँ। मिला के साथ ही साथ मैं पैन को रख दूँ गर्म होने के लिए। यहाँ पर पैन गर्म हो गया, यहाँ पर डाल दिए थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे जितने भी चिकन है मेरे पास फ्राई करने के लिए, तो सारी चिकन को मैं यहाँ पे पहले फ्राई कर दूँगी। मेन पार्ट होते हैं यहाँ पे चिकन एग रोल बनाने के लिए, मेन पार्ट होते हैं चिकन को फ्राई करना। तो यहाँ पे मैं ना गैस को बिल्कुल लो करके चिकन को पकाऊँगी, तो चिकन पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगते, झटपट चिकन पक के तैयार हो जाते। जब तक चिकन पक रहे, तो चलिए देखिए मैं इस तरीके से मैं यहीं पर सब्ज़ी कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर सब्ज़ी कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर देखिए क्या क्या लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए बंद गोभी, तो बंद गोभी मैं थोड़ा आधा लूँगी। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे बंद गोभी, प्याज, शिमला मिर्च ये सब और गाजर वो ऐड करूँगी। तो आज मैं कुछ एकदम चटपटा बनाऊँगी एकदम, तो खाने के लिए तो आप अपने हिसाब से वेजिटेबल ऐड करें। तो मैं यहाँ पे देखिए बंद गोभी कटिंग कर रही हूँ, और बंद गोभी कटिंग करने के बाद मैं यहाँ पर प्याज कटिंग करती हूँ, साथ ही साथ शिमला मिर्च कटिंग करती हूँ। तो ये सब चाइनीज़ खाना बनाने में थोड़ा सा टाइम लगते हैं, बट ना ये बनते बहुत लाजवाब है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है, बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं बंद गोभी इतना ही ली हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा रोल नहीं ऐड बनाऊँगी। तो यहाँ पे चार पांच रोल बनाने के लिए मैं वेजिटेबल कट कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि पत्ता गोभी है थोड़ा सा ना, उसमें पानी की मात्रा होती है, तो इस वजह से मैं थोड़ी सी और यहाँ पर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरीके से मैं सब्ज़ी को ना साइड रख रही हूँ कटिंग करके। और प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग किस किस जगह से मेरी वीडियो आप लोग देखते हैं, और मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं या नहीं, और मेरी किचन में ऐसी कौन सी रेसिपी है जो आप देखना चाहते हो। और तो प्लीज़ आप लोग, और मैसेज करते हो मैम आप लोग किस जगह से करते हो ये तो बताते हो वीडियो, और नाम भी मेंशन नहीं करते, तो मैं आपको कैसे मैसेज करूं या फिर कैसे थैंक यू बोलूं। फिर भी मैं आप सभी को थैंक यू, आप लोग सपोर्ट करते हो, प्यार दिखाते हो, मुझे अच्छा लगता है। तो देखिए यहीं पे मैंने बंद गोभी कटिंग कर ली है, और साथ ही साथ मैं चिकन भी फ्राई कर रही हूँ। तो चिकन को मैं गैस को लो करके ही मैं चिकन फ्राई करूँगी, ताकि मतलब चिकन जले ना और पक भी जाए अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर देखिए मैं शिमला मिर्च को पतले पतले स्लाइस में इसको कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं पतले पतले स्लाइस कटिंग कर रही हूँ इसका, शिमला मिर्च का। तो अपने मनपसंद की सब्जियां यहाँ पे ऐड करें। अगर आप सिर्फ सब्जी नहीं भी ऐड करते हो तो आप यहाँ पे प्याज और बंद गोभी भी ऐड कर सकते हो। तो मेरे पास थी सब्जी तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, और बच्चे लोग को मतलब इसी मतलब रेसिपी के हिसाब से आप अगर कोई भी वेजिटेबल आप देते हो तो बच्चे खाना पसंद करते हैं, लेकिन वैसे आप दो कुछ भी बना के तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो यहीं पर मैं देखिए शिमला मिर्च कटिंग करने के बाद मैंने यहाँ पर प्याज कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर चिकन भी अच्छी तरीके से पक रहे थे, तो ऑलमोस्ट सब्जी भी मेरे कटिंग हो गए थे। यहीं पे मैं ना अब थोड़ा सा खीरा और थोड़ी सी यहाँ पे मैं टमाटर कटिंग करूँगी, ताकि जो लास्ट में स्टफिंग कर सकूँ उसके ऊपर। तो यहीं पर मैंने ग्रीन चिल्ली ली है, तो आप ग्रीन चिल्ली यहाँ पर खाते हो तो भी ग्रीन चिल्ली लें, वरना ना लें। तो साथ ही साथ मैं सब्जी भी कुक कर रही थी। यहाँ पे देखिए मैं इसको ना गैस को हाई करके, मैं ना चिकन पक गए थे, अब इसको मैं अच्छी तरीके से फ्राई करती हूँ। तो अच्छी तरीके से चिकन को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरी चिकन अच्छी तरीके से पक गए थे। तो आप बगैर चिकन का भी बना सकते हैं, आप सिर्फ एग रोल भी बना सकते हैं, या फिर वेजिटेबल रोल भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है।
तो यहीं पे देखिए मैं सब्जी को फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पे पैन को दोबारा से रख दी हूँ। यहाँ पे मैं डालूँगी थोड़ा सा बटर, बटर डालूँगी और साथ ही साथ मैं यहाँ पे डालूँगी आप एक चम्मच कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पे देखिए पैन अच्छी तरीके से गर्म हो गए हैं, यहीं पे मैं बटर डाली हूँ एक चम्मच। तो आप अगर बटर नहीं ऐड करना चाहते तो यहीं पर आप कुकिंग ऑयल ऐड करें, कोई भी कुकिंग ऑयल। तो यहीं पर मैं थोड़ी सी कुकिंग ऑयल और भी ऐड कर दूँ एक चम्मच के हिसाब से। सब्जियों को फ्राई करनी है तो सब्जियों में एक चाइनीज़ फ्लेवर लाने के लिए मुझे थोड़ी सी बटर इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया और यहीं पे मैंने लिया है थोड़ी सी पानी, क्योंकि मतलब शिमला मिर्च वगैरह धोना रह गया था तो वो मुझे धोना है, इसलिए मैं पानी रखी हूँ साथ में। तो अच्छी तरीके से मैं इसको गर्म करने के बाद मैंने हल्का सा मैंने डाल दिए हैं प्याज। तो प्याज डालने के बाद मैंने डाले हरी मिर्च, इसको अच्छी तरीके से लाल करूँगी। तो मुझे गोल्डन नहीं करना है, इसको आधा कच्चा पक्का करना है। गैस को मैं हाई पे रखूँगी, गैस बिल्कुल भी लो नहीं करूँगी। और यहीं पर जितने भी सब्जी वेजिटेबल मैंने कटिंग करके रखी थी वो सब्जी मैं यहीं पे मैं धोके में पानी में ऐड कर दूँगी। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे तो, और ये ना थोड़ी कलरफुल सब्जियाँ अच्छे लगते हैं। आप जब कभी भी बनाइए तो कलरफुल सब्जियाँ बनाइए या फिर चाउमीन बनाइए, कुछ बनाइए, तो इस तरीके से सब्जी आप डालते हो ना तो बच्चे लोग खाना काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि उनको कुछ कलरफुल देखने को मिलता है और वो इस तरीके से खा भी लेते हैं और अच्छे भी लगते हैं। तो जितने भी सब्जियां हैं वो सारी सब्जियों को मैं आस्ते आस्ते करके सब ऐड कर देती हूँ। और यहीं पे मैं कुछ मसाले ऐड करने हैं तो वो मसाले भी मैं ऐड करूँगी। और गैस को मैं बिल्कुल हाई पे रखी हूँ ताकि मतलब सब्जियों में से बिल्कुल ज़्यादा पानी ना छूटे, और सब्जियाँ भी मुझे आधा कच्चा पक्का चाहिए, ज़्यादा कुक सब्जी नहीं चाहिए, मतलब ज़्यादा को पकाना नहीं, ओवर कुक करने के बाद उसकी जो टेस्ट है वो टेस्ट नहीं मिल पाएंगे। तो सारी सब्जियों को मैं यहाँ पर ऐड करने के बाद, यहाँ पर कुछ मसाले हैं मुझे ऐड करने हैं, तो यहीं पर मैं थोड़ी सी नमक टेस्ट के हिसाब से मैंने नमक ऐड कर दिए हैं। यहीं पर कुछ मसाले और ऐड करूँगी, यहाँ पर हल्का सा मिक्स मसाला गोल मिर्च पाउडर वो मैं ऐड करती हूँ। तो मसाले भी अपने हिसाब से आप ऐड करें, जो मसाले आप नहीं खाते तो वो ऐड ना करें। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड कर दिए हैं और नमक ऐड कर दिए। यहीं पे थोड़ा सा मिक्स मसाला ऐड करूँगी मैं, यहीं पे चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी ओरिगानो वो भी ऐड करती हूँ एक अच्छा सा टेस्ट आने के लिए। तो यहीं पे देखिए मैं हल्का सा और चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ और यहीं पे थोड़ी सी ओरिगानो ऐड करूँगी। तो यहाँ पर सब्जी को मैं गैस को हाई पे रखी हूँ सब्जी पकाने के लिए, तो थोड़ा सा टाइम लगते हैं लेकिन ये बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत यम्मी लगते हैं, मतलब एकदम। और घर का बनाया हुआ खाना अगर आप बच्चे को देते हो तो बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं और आपको कहीं ना कहीं तसल्ली मिलती है कि मतलब आप तो कहीं ना कहीं हमें तसल्ली मिलती है कि हम अपने बच्चे को किस तरीके का खाना खिला रहे हैं। अगर आप इस तरीके के बना के आप बच्चे को देते हो तो वो एक आप अपने हाथों से बना के दे रहे हो, प्लस घर पर बना के दे रहे हो, अपने हिसाब से सब्जियाँ उसमें ऐड कर रहे हो, मसाले ऐड कर रहे हो, तो आप टेंशन फ्री होकर आप खिला सकते हो। तो यहीं पर देखिए मैंने हल्का सा मिक्स मसाला मैंने ऐड कर दिया है और यहीं पर मैं अब सब्जियों को हाई पे ही मैं इसको कुक करूँगी। तो मुझे ज़्यादा नहीं, कम से कम 5 मिनट लगेंगे इसको हल्का सा पकाने में। तो यहाँ पर देखिए पकाने के बाद इसका कलर देखिए बिल्कुल इस टाइप से हो गया है। थोड़ा सा मुझे 1-2 मिनट इसको और पकाना था तो मैं इसको शिफ्ट कर देती हूँ दूसरे वाली गैस पर। तो देखिए मुझे इस टाइप से मैंने पका लिया, इसमें हल्का फुल्का पानी भी थे तो मैं इसको अलग वाले गैस में रख के मैं इसको पानी को सुखा लेती हूँ। और यहीं पर देखिए मैंने तवा रख दिया और ये देखिए रोटी को मैं पहले से तैयार करके रखी थी मैदे के। तो आप चाहे तो यहाँ पे गेहूँ का आटे की रोटी भी बना के रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लच्छा पराठा बना के पहले से ही मैंने तैयार करके रख लिया। आप इस तरीके से अगर कुछ बनाते हो तो आप पहले से इसको सीट को बना के आप फ्रिज में रख सकते हैं, जब कभी बच्चा लोग खाए तो उसको आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं पहले यहाँ पर रोटी को अच्छी तरीके से यहाँ पर पकाऊँगी। गैस को मैं हाई करके रखी हूँ और तवा में अच्छी तरीके से मैं पराठा को पकाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए और ये बने थे बहुत टेस्टी और बहुत लाजवाब बने थे, घर पे बने थे और इतनी हेल्दी थी। और अपने मनपसंद आप सब्जी डाल रहे हो अपने तरीके से बनाओ तो वो एक अपनापन होता है, और उतना प्यार से आप बनाते हो और इतना मतलब आप उसको इतने अच्छे से खड़े हो गए, आप मसाले और सब कुछ कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। तो सच में आप कुछ भी अगर दिल से बनाइए तो वो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो वाकई में बने भी थे बहुत अच्छे। प्लीज़ एक बार इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई करके देखें।
आप अगर चिकन नहीं खाते हो, जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके लिए बिल्कुल बेस्ट है। मतलब आप वेजिटेबल भी सिर्फ बना के खा सकते हैं, पनीर इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए, और ज़रूरी नहीं है जो नॉनवेज खाते हैं उनको चिकन वाला ही अच्छा लगता हो, वो एग रोल भी बना के खा सकते हैं। तो एग रोल भी बहुत इजीली तरीके से बन जाते हैं। तो यहीं पर देखिए, मैं अच्छी तरीके से रोटी को फ्राई कर रही हूँ यहाँ पर, मतलब पराठा को अच्छी तरीके से लाल कर रही हूँ गैस पर रख के। यहीं पर मैं अंडे, तो दो अंडे मैं यहाँ पर ऐड करूँगी, मतलब सीट पे। तो यहाँ पर देखिए, मैं दो अंडे आप फोड़ के यहीं पर मैं ऐड करती हूँ। तो फर्स्ट टाइम होता है ना कि थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाते हो कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए, मैं दो अंडे यहाँ पर तवा पे मैं रख के अच्छी तरीके से इसको, उसके बाद उसके ऊपर मैं रोटी रखूँगी। तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं बनाने के, तो मैं जब भी बनाती हूँ तो इस तरीके से बनाती हूँ। या फिर रोल नहीं भी बनाना होता है, तो रोल नहीं बनाना होता है तो मैं सिंपल रोटी भी जब भी बनाती हूँ तो इस तरीके से, मैं जब भी बनाती तो इस तरीके से बनाती हूँ। अगर कोई सब्जियाँ बची हुई है तो आप इस तरीके से एग रोल बना के रोटी में, तो आप सब्जियाँ लगा के आप सॉस, टमाटर सॉस वगैरह, चिली सॉस वगैरह लगा के आप बच्चे को दो, तो बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पे एक एक करके मैं पराठे मतलब तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं चार पराठे की रोल बना रही थी। यहाँ पे देखिए, एक मैंने तैयार कर ली और एक एक करके मैं जितने भी है मेरे पास वो मैं तैयार कर लूँगी। और यहाँ पे देखिए, बिल्कुल इजीली तरीके से बन जाते हैं। यहाँ पे देखिए, देख पा रहे होंगे आप, तो यहाँ पर एक एक करके मैं इसको लाल कर लेती हूँ। बस इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगते बनने में, बस थोड़ा सा वक्त लगते हैं, लेकिन ये बने भी थे बहुत अच्छे। तो यहाँ पे फाइनली मेरी पराठा बन के बिल्कुल एकदम तैयार हो गए थे। इसको मैं हल्का सा थोड़ा करारे कर लेती हूँ, क्योंकि आप जब भी रोड साइड पे अगर खा रहे एग रोल तो यून थोड़े सी पराठे थोड़े करारे करारे रहते हैं। तो मैं इसको अच्छी तरीके से लाल कर रही हूँ, देख पा रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से मैंने बनाई है यहाँ पे। तो फाइनली रोटी बन के बिल्कुल तैयार हो गए। अब इसको मैं साइड में उतार के रख लेती हूँ और थोड़ा सा मतलब प्रिपरेशन करती हूँ। जैसे टमाटर हो गए तो यहाँ पे टमाटर और सॉस वगैरह जो भी है मुझे, तो मैं ला के फ्रिज से यहाँ पे रख चुकी हूँ। अब मैं इसको एक एक करके मैं वेजिटेबल और चिकन वगैरह ऐड करके मैं रोल बनाना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे हो गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको अच्छी तरीके से उतारे। और आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस तरीके से आप बनाते हैं। मैं उसी तरीके का किसी और दिन मैं रेसिपी ज़रूर लेके आऊँगी। तो यहाँ पर देखिए, अच्छी तरीके से मैं इसको थोड़ा देर के लिए करारे रख दी हूँ। यहीं पर कर दूँगी गैस को बंद। गैस बंद करने के बाद देखिए, मैं यहाँ पे आ गई हूँ। तो यहीं पे मैं पहले डालूँगी टमाटर सॉस। तो आपके पास बच्चे जो भी जो सॉस खाना पसंद करते हैं जो सी फ्लेवर की, वो सॉस यहाँ पे ऐड करें। तो मैं यहाँ पे टमाटर सॉस ऐड कर दूँ। यहाँ पे मैं थोड़ी सी मेयोनी ऐड करूँगी। तो टमाटर सॉस मेयोनी अगर आप नहीं डालते तो आप यहाँ पर थोड़ा सा धनिया पत्ता का चटनी भी आप ऐड कर लो, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ी सी मेयोनी ऐड करूँगी टमाटर सॉस ऐड करने के बाद। तो मैं बस चटनी नहीं थी ग्रीन वाली, इसलिए मैं यहाँ पे सॉस के साथ में बना रही हूँ। तो आप चाहे तो यहाँ पे धनिया पत्ता का चटनी भी ऐड कर दें टमाटर सॉस के साथ। तो यहाँ पे देखिए, मैं अच्छी तरीके से अब इसको चम्मच की मदद से ना चारों तरफ मतलब फैला लेती हूँ रोटी में। और ये बने हुए थे बहुत टेस्टी, बने थे बहुत यम्मी बने थे। प्लीज़ आप लोग इस तरीके से ट्राई ज़रूर करें। तो देखिए, फाइनली मैं इसको चम्मच से मिला लेती हूँ इस तरीके से, चारों तरफ मिलाऊंगी मैं। और यहाँ पर जितने भी मतलब वेजिटेबल है मेरे पास, सारी वेजिटेबल मैं पहले ही फ्राई करके रख ली। तब यहाँ पर मैं पहले वेजिटेबल ऐड करूँगी और उसके बाद मैं चिकन ऐड करती हूँ। तो देख पा रहे होंगे वेजिटेबल का कलर। देखिए, फाइनली यहाँ पर मैंने एक पर रख दिया, थोड़ी थोड़ी सी मैं करके रखूँगी ताकि मैं ज़्यादा ना रखूँ। और मेरे मतलब घर के जैसे हैं रोल वगैरह में, तो आप अपने हिसाब से सब्जियां ऐड कर रहे हो, अपने हिसाब से आप बना रहे हो, तो काफ़ी हेल्दी होते हैं खाने में भी। तो आप चाहे तो यहाँ पे मैदा के रोटी के अलावा आप यहाँ पे गेहूं की रोटी के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं बच्चे लोग के लिए। और इतना बच्चे लोग को पता नहीं चलता है कि आप किस तरीके की रोटी के साथ आप रोल बना के दे रहे हो उनको। कहीं पर देखिए, मैं चिकन यहाँ पर जो फ्राई करके रखी थी वो चिकन भी मैं थोड़े करके मैं यहीं पर डाल देती हूँ चिकन भी। और यहीं पे मैंने यहाँ पे खीरा, टमाटर
और साथ ही साथ प्याज मैंने कटिंग करके रख लें, खीरा टमाटर प्याज वो भी थोड़ा थोड़ा ऐड कर देते हैं। अगर आप ऊपर से मतलब डालना चाहते तो डालें खीरा टमाटर प्याज, अगर नहीं आप पसंद करते तो ना डालें। तो यहीं पे देखिए मैं डाल रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा सॉस ऊपर से भी ऐड कर लें, या फिर आपके पास ग्रीन चटनी हो तो वो भी ऐड कर दें। लेकिन मेरे पास ग्रीन चटनी नहीं थी और मैं कोई सॉस वगैरह ऊपर से नहीं ऐड करी थी, क्योंकि सॉस मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। तो फाइनली मेरी रोल बन के बिल्कुल यहाँ पर तैयार हो गए। तो इसको मतलब फोल्ड करना बहुत ज़रूरी है, तो मेन पार्ट है इसका फोल्ड करना, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है फोल्ड करने में। तो यहाँ पर देखिए फाइनली मैं प्याज वाज ऐड कर दी हूँ। अच्छी तरीके से फोल्ड करने के बाद मैं इसको टिश्यू पेपर में, तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ी सी धनिया पत्ता भी ऐड करें, थोड़ा सा हल्का हल्का सा टेस्ट के लिए धनिया पत्ता मैंने ऐड कर दिया। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धनिया पत्ता आपके पास है तो आप ऐड कर लीजिए, वरना नहीं कोई भी ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर मैं थोड़े थोड़े धनिया पत्ता मेरे पास थे तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं टेस्ट के हिसाब से, और मैं रख देती हूँ। अब इसको मैं फाइनली टिश्यू पेपर में इसको रोल बनाना चालू करती हूँ। मैं यहाँ पर देखिए मैंने लिया है टिश्यू पेपर, तो आप चाहे तो फोल्ड पेपर में बनाए, तो मैं टिश्यू पेपर बना रही थी तो, लेकिन टिश्यू पेपर में मेरे से ठीक से रोल नहीं हुए, तो लास्ट में मैंने सिल्वर पेपर में ही मैंने फोल्ड किए थे। आप लास्ट वाली वीडियो में देखेंगे कि सिल्वर पेपर में ही मैंने किए। तो देखिए मैं बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ, और यहाँ पर देख पा रहे हूँ किस तरीके से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। इसमें मेन पार्ट है फोल्ड करना, मेरे से अच्छी तरीके से बिल्कुल भी फोल्ड नहीं हुए थे, वो मतलब एक दो रोल खुल गए थे। तो यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए मैं एक एक करके मैं सारे रोल को मैं इसी तरीके से मैं मोड़ूँगी, एक एक करके मैंने यहाँ पर देखे सारों को मोड़ के मैंने रख दिया। और अब मैं इसको लास्ट में टिश्यू सिल्वर पेपर में ही फोल्ड करूँगी, ताकि जो टिश्यू पेपर का जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रहे थे, तो इसलिए मैं इस तरीके से मोड़ूंगी सिल्वर पेपर में, ताकि बच्चे खाना अच्छी तरीके से पसंद करें। तो देखिए मैं किस तरीके से मोड़ती हूँ, मोड़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रहे थे, लेकिन मैंने धीरे धीरे करके मैं मोड़ी थी। मेन चीज़ है ना, इसमें फोल्ड करने में ही थोड़ी प्रॉब्लम होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसी तरीके से मैंने सारे को भी मैं मतलब दोनों को फोल्ड करके रख ली हूँ। तो देखिए और दूसरे वाले को भी मैं फोल्ड कर लेती हूँ, ताकि कोई एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह हो तो वो टिश्यू पेपर में अच्छी तरीके से आ जाए। तो आप देख पा रहे होंगे क्योंकि मैं घर में बनाई हूँ, तो सब्ज़ी भी इसमें भरपूर है, और इसमें अपने हिसाब से मैंने सब्जियाँ ऐड करी हूँ, और सब्जी मैंने बहुत सारी मतलब भर भर के मैंने सब्जी यहाँ पे भर डाली हूँ। तो फाइनली देखिए बन के बिल्कुल तैयार हो गए हैं। कैसा लगा रेसिपी ना कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ नई रेसिपी के लिए।